दोस्त कहा जाता है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा पल स्टूडेंट लाइफ ही होता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि स्टूडेंट लाइफ ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम फ्यूचर में क्या बनेंगे, यह सारी चीजें हमारे स्टूडेंट लाइफ ही पर डिपेंड करता है। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में जाने अनजाने में 3 से 4 ऐसी गलतियां करते हैं जिससे पूरी लाइफ का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। तो 3 से 4 गलतियां कौन सी है, आइए जानते हैं। तो दोस्त, मिस्टेक नंबर 1 है प्रोक्रास्टिनेशन, मींस अपने काम को टालना या अवॉइड करना। लगभग सारे स्टूडेंट यह गलती करते ही है। एक लाइन है जो स्टूडेंट में काफी फेमस है कि कल से पढ़ूंगा। अरे भाई, कल किसने देखा है, जो करना है आज करो। और पता है, यह कल कभी आता ही नहीं है और समय बर्बाद होते जाता है। और जब एग्जाम सामने आता है तब स्टूडेंट की आंखें खुलती है, बट उस समय आप पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आपके पास समय ही नहीं रहेगा कि सारी सिलेबस को कंप्लीट कर सकूं। चलो मान लो मैं आपको कहूं कि आज पूरी किताब पढ़नी है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि डेली 1 पेज पढ़ना है, तो आप पूरी बुक पढ़ लोगे और आपके लिए कोई मुश्किल भी नहीं होगा। इसीलिए आप लोग को स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है अपने सिलेबस को। तो दोस्त, ये आप लोगों की फर्स्ट मिस्टेक थी। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मिस्टेक पे। तो सेकेंड मिस्टेक है डोंट रन ओनली बिहाइंड मार्क्स, मीन्स नंबर के पीछे कभी मत भागो। दोस्त, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला है रट्टा मारकर, दूसरा है टोपी को समझकर। दोस्त, अगर आप रट्टा मारकर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते भी हैं, तो वह किसी काम का नहीं है। इससे आपके करियर में कोई ग्रोथ नहीं होगा। आपने जो पढ़ाई की है अगर उसे आप समझे ही नहीं है, तो किसी काम का नहीं है, आपने बस कॉपी पेस्ट की है। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो केवल रट्टा मारकर पास होते हैं। ऐसे स्टूडेंट कभी चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ नंबर के पीछे भागते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो नंबर के पीछे ना भागकर अपनी स्किल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दिए, और आज ऐसे स्टूडेंट अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं। वे बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन चुके हैं या उन्होंने खुद का अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया है। इसलिए दोस्त, नंबर को उतने ही इम्पोर्टेंट दो जितना कि उसके रियल में है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इसलिए अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाई करो, चीजों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, ना कि आपको रट्टा हुआ तोता बनना है। तो दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3। तो दोस्त, मिस्टेक नंबर 3 जो है वह है रॉन्ग एसोसिएशन, मीन्स गलत संगत। क्या दोस्त आपको पता है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे ही बनेंगे, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे ही बनेंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ, इतिहास कहता है। तो जरूरी है कि वैसे लोगों के साथ रहें जो आपको हमेशा मोटिवेट करता हो। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ही जाने अनजाने में कोई बैड हैबिट के एडिक्शन हो जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, सोशल मीडिया, ETC, तो दोस्त पता है, यह जो एडिक्शन है ना, आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। और जब आपको पता चलेगा कि मैं इन सब चीजों का एडिक्ट हो चुका हूँ, उस समय बहुत ज्यादा समय बीत चुका होगा, उस समय आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। और पता है दोस्त, इन सब चीजों में पढ़ने का जो मेन कारण है ना, वह है रॉन्ग एसोसिएशन, मींस गलत संगत में आप पढ़कर ही इन सब चीजों का आदि हो सकते हैं। तो आप शुरू में ही इन सब चीजों का ध्यान दें और देखें कि क्या मेरे लिए सही है और कौन सी चीजें मेरे लिए गलत है। जो चीजें, जो आदतें आपको करियर में बूस्ट करती है और आपको आगे बढ़ाती है, उन सब चीजों को अपने अंदर अपनाएं, और जितने भी बुरी चीजें हैं आप शुरू में ही इन सब चीजों में ना पढ़ें। और दोस्त, अपने आप पे पूरा विश्वास करते हुए आज ही मेरी बताई गई बातों पर ध्यान दो और इन सब आदतों को अपनी लाइफ में बाहर निकाल फेंको जो आपकी ग्रोथ होने में रुकावट डाल रही है। फिर देखना दोस्त, आपकी लाइफ इतनी अच्छी खुद ही हो जाएगी कि आपको अपने आप पे ही प्राउड ऑफ फील होगा। तो दोस्त, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।